डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स मैजिक में आप सभी का मैं दास सर स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि कई लेंथी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। उस लेंथी क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, क्या उसका ट्रिक्स एंड टेक्निक होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए सॉल्व करने का, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं तो आज 5 to 6 क्वेश्चन जो डिस्कस करूँगा उसे आप ध्यान से समझेंगे, पैटर्न को ध्यान से रीड करेंगे, और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिया हुआ है उसको आप सॉल्व करेंगे। ऑल क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया है मैंने उसी को लिया है। सो आपका जो अभी लेटेस्ट रेलवे का एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक भिन्न का हर इन अ फ्रैक्शन, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, इन अ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर एज 3 more than न्यूमरेटर। फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है यदि अंश में 7 जोड़ दें, इफ 7 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड हर में 2 घटा दें एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर तो नई भिन्न 2 के बराबर है। देन द न्यू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू, तो नई भिन्न 2 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है वह भिन्न क्या है, फाइंड दैट फ्रैक्शन वह भिन्न क्या है। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 5/8, सेकंड ऑप्शन है 8/11, थर्ड ऑप्शन है 7/10, और फोर्थ ऑप्शन है 1/4। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो तरीका होता है कि आप पैटर्न वाइज सॉल्व कर लें, आंसर कर लें, एक तरीका होता है लॉजिकल। मैं उसी लॉजिकल पैटर्न पे बात करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं, आप उस ट्रिक्स एंड टेक्निक पे दिमाग लगाएं ताकि आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का आंसर एग्ज़ाम में कर पाएं, और ये कॉन्फिडेंस ही आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट दिलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाता है। इन अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का बात किया जा रहा है। बोला डिनोमिनेटर इज 3 more than न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर 3 more है, तो आप देखिए यहाँ पे 3 ज़्यादा है, +3 +3 +3, ये सही है ना, ईच एंड एवरी ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, यानी कोई भी आपका आंसर हो सकता है, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर क्या बोला, इफ 7 इज एडेड टू न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 7 ऐड कर दें और 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर और 2 माइनस कर दें तो आपका जो फ्रैक्शन होगा ना वो 2 के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा फ्रैक्शन है आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए अगर इसमें 7 ऐड करते हैं तो 7 5 अगर इसमें आप अगर आप इसमें 7 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 12, और इसमें अगर आप 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ऐड करते हैं तो 10 आ जाएगा, 2 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देखिए ये तो इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है। वन मोर टाइम्स क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि यदि अंश में 7 जोड़ दें तथा हर में 2 घटा दें, 7 जोड़ दें तथा हर में 2 घटा दें, सॉरी 2 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि ये आपका आंसर है।
आपको नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने का जरूरत भी नहीं है, बाय चांस अगर ये फर्स्ट ऑप्शन में नहीं रहता तो फिर चेक करते। आइए चेक करते हैं, अगर आप इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 8 7 15 आ जाएगा, 2 माइनस कर देंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा, इसको 2 तो आएगा नहीं सॉल्व करने पर, 15/9 2 तो नहीं आएगा। आप फिर देखो इसमें 7 ऐड करोगे तो 14 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, यहाँ पर भी 2 नहीं आ रहा है। अगर आप इसमें 7 ऐड करोगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कैंसिल होकर के 4 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इजी ट्रिक है कि आप ऑप्शंस को यूज कर लें, 5 सेकंड्स में आंसर आएगा। एक बार फिर से मैं बता दूँ, सबसे पहले हम लोग क्या देखना था कि 3 मोड यानी 3 का डिफरेंस फ्रैक्शन किस में है, तो वो सब में था। फिर क्या करना था, 7 ही एडेड टू न्यूमरेटर, अंश में 7 जोड़ना है तो 7 5 12, और 2 घटाना है न्यूमरेटर में, 2 घटाया तो 6, 12 बाय 6 किया तो 2 आया, जो कि 2 के बराबर आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए में ये फॉलो कर रहा था, इसलिए ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपका है एक संख्या में 2 अंक हैं, एक संख्या में 2 अंक है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, क्वेश्चन ने बोल रहा है कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, बोला अगर डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा तो नई संख्या और नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए, एंड न्यू नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, तो परिणामी संख्या सदैव निम्न में से किससे विभाजित होगा, एंड न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, देन द रिजल्टेंट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 8, 9, 10 और D है 11। डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए, टू डिजिट नंबर जो होता है उसमें इकाई अंक भी होती है और दहाई अंक भी होती है। तो टू डिजिट नंबर जो होगा वो हम लोग सपोज करते हैं वो क्या होता है, 10x प्लस y। कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन जैसे ही समझ जाइएगा आंसर अपने आप आ जाएगा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा आंसर नहीं निकलेगा। तो 10x प्लस y आपका टू डिजिट नंबर हो गया। बोल रहे हैं कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर टू डिजिट नंबर का डिजिट इंटरचेंज कर देंगे तो न्यू नंबर बनेगा 10y प्लस x। ध्यान देना, y यहाँ पे गया, x यहाँ पे, 10y प्लस x। अब क्या बोल रहा है कि इफ द न्यू नंबर एंड ओरिजिनल नंबर इज एडेड, अगर ऐड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐड कर देंगे तो हम लोगों को 10x और x 11x मिलेगा, प्लस 11y मिलेगा, 10y और y 11y। अब 11 कॉमन ले लो x प्लस y, तो बोल रहा है कि जो ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा, रिजल्टेंट नंबर क्या मिला है, 11 × x + y, ये ऑलवेज डिविजिबल होगा, तो ऑलवेज 11 से डिविजिबल होगा क्योंकि 11 इसका मल्टीपल है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चंस हमेशा आसान ही पूछा जाता है, आपको कंसेप्ट को समझना है, ट्रिक्स को समझना है, टेक्निक्स को समझना है, इसके एप्लीकेशन को समझना है, तभी आप क्वेश्चन 5 to 10 seconds में आंसर कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा मेन टारगेट होता है एग्जाम में टाइम को मिनिमाइज करना, तभी आप मैथ्स प्रॉपरली सीख पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस सभी को बनाना आता है। ये जो क्वेश्चंस होती है ये 10th स्टैंडर्ड का होता है, अगर आप विद इन 30 seconds 5 seconds 10 seconds में क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम टाइम दिया जाता है। मेंस में 90 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है रेलवे मेंस में, और 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और टाइम कितना दिया है, 90 मिनट्स।
तो आप दिमाग लगा लो कि 90 क्वेश्चन को अगर 1 मिनट में सॉल्व करते हैं तो 90 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर पाइएगा. 1 मिनट इज क्वेश्चन, 90 मिनट में 90 क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. इसका मतलब ये हुआ कि आपको टाइम को कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को देखने के साथ आंसर करना पड़ेगा. अगर आप लेंदी अप्रोच, लेंदी टेक्निक में जाते हैं तो फिर वो आप ऑल अटैम्प्ट नहीं ले पाएंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा. तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस सीरीज का, वो बेसिकली कंसेप्चुअल है. आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तभी आंसर कर पाएंगे. बोल रहा है एक धनात्मक संख्या और उसके प्रतिलोम का योग. ध्यान से समझना, वन मोर टाइम, एक धनात्मक संख्या एवं उसके प्रतिलोम का योग. इन इंग्लिश द सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रिवर्स या इनवर्स, इसको बोलते हैं प्रतिलोम. इनवर्स इज, योग उसके अंतर का दोगुना है, इज टू टाइम्स इट्स डिफरेंस, टू टाइम्स देयर डिफरेंस टू टाइम्स देयर डिफरेंस. तो आपसे पूछ रहा है वह संख्या है, फाइंड द नंबर. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसके क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए. इसका ऑप्शन है रूट टू, सेकेंड ऑप्शन है 1/√2, थर्ड ऑप्शन है √3 और फोर्थ ऑप्शन है 1/√3. ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर आप कुछ मान लो, हम लोग मान लेते हैं ए, और इसका इनवर्स, तो उल्टा ऐसा क्या होगा 1/a, इसका सम जो है वो टू टाइम्स है, किसका, इसका डिफरेंस का, तो a/1/a इसके डिफरेंस का टू टाइम्स है. अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पे a है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a में से a गया तो a बचेगा, यहाँ पे देखो -2/a और यहाँ पर a, यहाँ पर क्या है 1/a. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2/a 1/a, तो यहाँ पे 3/a आ जाएगा, यानी a स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3, यानी कि आप देखिए a इक्वल टू आएगा √3. ऑप्शन सी इज योर आंसर. आसान और सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चंस इस पैटर्न पे है, क्वेश्चन नंबर फोर जो बेसिकली है वो कैलकुलेशन बेस्ड है. अगर आप इसको सही अप्रोच से नहीं बनाते हैं तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा, या फिर बनेगा तो टाइम लग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 1980 है. द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर, इज 1980. आपसे पूछा है तो छोटी संख्या का मान बताएं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शंस है वो आप देखिए, ऑप्शन है 34, सेकंड ऑप्शन है 35, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है 44 और फिफ्थ लास्ट ऑप्शन है 45. तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा. हम लोग जानते हैं कंजक्यूटिव नंबर क्या होता है, x, x+1, x+2, x+3. तो यहाँ पे कंजक्यूटिव नंबर अगर हम लोग मानते हैं x, तो नेक्स्ट क्या होगा, x+1 बराबर दोनों का प्रोडक्ट कितना, 1980. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये x² + x = 1980. अब देखिए x² + x - 1980 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. लेकिन इतना लेंदी अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या एग्जाम हमारा निकलेगा, क्या हम लोग 120 में 120, 100 में 100 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे.
तो फिर क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन उठता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस का यूज करना है। ऑप्शंस का यूज कैसे करना है आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए 34, 35 है, तो आपको 34 का स्क्वायर भले ही पता नहीं हो, उम्मीद करते हैं कि 35 का स्क्वायर जरूर पता होगा। 35 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225 होता है डियर स्टूडेंट्स, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। कैसे निकालते हैं, अगर ये क्वेश्चन आज हो रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट डिजिट से, 3, 4 या 12, तो 1225 ये आपको आइडिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इसका आंसर और अगर आपको स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे इस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है स्क्वायर ऑफ नंबर्स पे, आप स्क्वायर ऑफ नंबर्स बाय दास सर टाइप करें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर 35 का स्क्वायर 1225 हो रहा है तो क्या ये और ये आपका आंसर हो सकता है, आप इस पर विचार करें। तो प्यारे दोस्तों 34 अगर ये है तो 34 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 35, तो 34 इंटू 35 क्या 1980 कभी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 35 इंटू 35 1225 आता है, 1200 के आसपास का नंबर है, तो यानी कि 34, 35 आपका कभी भी नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 34 इंटू 35 करेंगे तो 1980 कभी नहीं आएगा, या 35 अगर नंबर लेते हैं 35 इंटू 36 करेंगे तो अभी 1980 नहीं आएगा, तो चूंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आएगा नहीं, इसलिए आपका आंसर होगा नहीं। तो फिर क्या करें, तो फिर इसको चेक करना है 44 इंटू 45, इसको क्यों चेक करें, आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो 45 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 इंटू 5 20, 25, यानी कि 45 के आसपास के नंबर को अगर हम लोग लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों अगर हम लोग 44 को लेते हैं तो 44 इंटू 45 कीजिएगा, आप चेक कर लो कैसे आएगा, मन में 44 इंटू 45 कैसे करेंगे, अब इस कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि हम लोग जो ब्रेक करते हैं अगर आपको 1 से 20 तक का टेबल याद है तो मल्टीप्लिकेशन तो मन में होगा विद इन 5 सेकेंड होगा। 44 इंटू 45 अगर आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे समझिए, 45 इंटू 40 करेंगे, 45 इंटू 40 यानी 45 का डबल का डबल, 45 इंटू 4 180 होता है, कैसे, तो 45 इंटू 2 90 इंटू 2 180, यानी 45 इंटू 40 करेंगे तो 45 इंटू 4 करेंगे तो 180 पे एक जीरो 1800 आएगा, अब 45 इंटू फिर 4 अलग से कर दीजिए 1800 प्लस 180 1980 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा, लार्जर नंबर ये होगा, दैट इज 44 इज योर आंसर, वन ऑफ द मोस्ट इजी सिंपल बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में नहीं सॉल्व करते तो ये आपका 2 से 3 मिनट टाइम बर्बाद कर देता, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी समय लग सकता था। तो हम मेरे क्लास में आप लोग बेसिकली यही सीख रहे होंगे कि क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है, ट्रेडिशनली सभी को बनाने आता है और वैसे बना करके एग्ज़ाम आपका निकलने वाला है नहीं, इसलिए आप मान के चलें कि आपको पैटर्न ट्रिक्स एंड टेक्निक को सीखना है, चाहे आप जैसे सीखें। आप अगर ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमको बनाने आता है, ट्रेडिशनली अप्रोच से ही बना करके हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो आप भूल में हैं, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, 5 नंबर क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज 18, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें, फाइंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 कंजिक्यूटिव नंबर। ये तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है, आप इसको मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ 24, 30, 27, थर्ड ऑप्शन था और लास्ट ऑप्शन है आपका 35। तो प्यारे दोस्तों 3 कंजिक्यूटिव नंबर अगर आपको लेना है तो आप क्या क्या लीजिएगा, आपका नंबर होगा x, x plus 1, x plus 2, और इसका सम आपको दिया हुआ है कितना, x, x plus 1, x plus 2, इसका सम आपको कितना दिया हुआ है, इसका सम आपको दिया हुआ है 18। तो डियर स्टूडेंट्स 3x
और ये दो एक तीन धर जाएगा तो कितना आएगा 18 में से 3 गया तो 15, आपने इसको कैंसिल किया आपका नंबर आ जाएगा 5, एक्स का वैल्यू 5। तो फर्स्ट नंबर होगा 5, सेकंड नंबर होगा 6 और नेक्स्ट नंबर होगा 7, 5, 6, 7। लेकिन आपसे ये नंबर नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि नेक्स्ट 3 नंबर का सम बताइए, तो नेक्स्ट 3 नंबर का सम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 नंबर हो जाएगा 8, 9 और 10, इसका सम आपसे पूछा है तो 9, 8, 17, 27 इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स 27 इज योर आंसर। तो पैटर्न को समझिए, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठिए, आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाइएगा। नहीं तो पूछ रहा है कुछ और पढ़ के जा रहे हैं कुछ, तो एग्जाम ऐसे में नहीं निकलेगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये क्वेश्चंस भी नंबर सिस्टम से है, आसान क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। टू नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दो संख्याओं का अनुपात बताइए, फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर। और ऑप्शंस है आपका 2:5, सेकेंड ऑप्शन 4:5, थर्ड ऑप्शन है आपका 6:7 और लास्ट ऑप्शन है 3:5। प्यारे दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आ रहा होगा, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर बाय चांस कोई क्वेश्चंस समझ में नहीं आए, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, कहीं पर मेरा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप हार्ड वर्क करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे इस कैंपेन से जुड़ेंगे ताकि उन सभी स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके जो कि गांव में दूर दराज रहते हैं और शहर आकर के अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। प्यारे दोस्तों ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को इसका एडवांटेज मिले। थैंक यू।